हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय खुफिया टेक चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट्सअप का आप लोग चार्ट किस तरह से बैकअप ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मेरा यहाँ पर व्हाट्सअप डेट हो गया था, फिर से यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया इसे। अब मेरा यहाँ पर जो चैट किया था मैंने वो सारा यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों किस तरह से इसे बैकअप ले सकते हैं, चलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सिंपल दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर एक थ्री डॉट दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके लेना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है सेटिंग का ऑप्शन ओपन करके ले लेना है। कि यहाँ पर एक चार्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है चार्ट ऑप्शन के अंदर इंटर होना है। चलिए इसके अंदर हम लोग इंटर हो जाते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आएंगे आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना नीचे की तरफ, और यहाँ पर आप लोग देख रहे चार्ट बैकअप करके एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना है चार्ट बैकअप के ऊपर क्लिक करना है। चलिए यहाँ से मैं चार्ट बैकअप के ऊपर क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रही है बैकअप करके यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आप लोग डायरेक्टली बैकअप ले सकते हो। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ से मेरा ईमेल आईडी से यहाँ से मैंने कनेक्ट किया था मेरा व्हाट्सअप चैटिंग, तो चलिए हमें क्या करना है पहले ईमेल आईडी से कनेक्ट करके लेना है। देखिए गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो क्या करना है दोस्तों गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करेंगे ईमेल आईडी सारे अपने जितने भी मोबाइल में सारे यहाँ पर आपको शो होंगे, तो आपको जो भी यहाँ पर आपने कनेक्ट करके रखा था ईमेल आईडी उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। चलिए इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला आईडी मेरा यहाँ पर मेरा कनेक्ट था, तो ईमेल आईडी आप लोग सेट करके ले लेना। जैसे ही दोस्तों ईमेल आईडी आप लोग सिलेक्ट करेंगे इस तरह से पेज आ जाएगा, आपको क्या करना है स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ और इसे अलाउ करके ले लेना है। चलिए अलाउ करके ले लेते हैं हम लोग। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए गूगल अकाउंट मेरा यहाँ पर ईमेल आईडी से कनेक्ट हो चुका है। अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हमें सिंपल बैकअप करके ले लेना है। चलिए यहाँ से हम लोग बैकअप करके ले लेते हैं। तो दोस्तों कुछ यहाँ पर टाइम लगता है, तो देखिए मेरा तो यहाँ पर कुछ या थोड़ा देर यहाँ पर टाइम लेने वाला है, तो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन जो भी है मेरा यहाँ पर स्लो है। तो चलिए मैं यहाँ पर बैकअप के ऊपर क्लिक करता हूँ। चलिए यहाँ से मैं बैकअप के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये अभी कुछ डाउनलोड जैसा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये हमारा बैकअप ये शुरू हो गया है स्टार्ट करना। दोस्तों इसी तरीके से अपना आप लोग चार्ट जितना भी आपने डिलीट हुआ है जो भी प्रॉब्लम आई है, तो दोस्तों इस तरह से आप लोग ये बैकअप रिटर्न ले सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट में, और आज वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।